चौधरी मोहम्मद अजीम साहब बयान करते हैं कि 12 रबी अव्वल की रात थी तो मैंने अर्ज़ किया कि मिलाद शरीफ की इजाज़त मरहमत कीजिए, तो हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे हकीम नियाज अहमद फैज़ाबादी अलैह रहमा मौलूद शरीफ पढ़ देंगे, तुम बस्ती में ख़बर कर दो। फिर मैंने मस्जिद में 12 ताकों में 12 चिराग रोशन किए, तो इतने में एक साहब एतराज़ कर बैठे कि इतने सारे चिराग जलाना फिजूल खर्ची है। इत्तेफाक से हजरत मौलाना बाबा को इस बात का इल्म हो गया और आपने उस एतराज़ करने वाले से फरमाया, तुम्हारे ख्याल में अगर किसी ने फिजूल खर्ची की है तो जिन चिरागों को तुम ज़रूरत से ज़्यादा समझो उनको जाकर बुझा दो। बार बार जब भी वह चिरागों को बुझाते तो वह खुद वापस जलना शुरू हो जाते थे। शेर मोहम्मद फरुखाबादी गए और पहला चिराग बुझाकर दूसरे चिराग को बुझाने जैसे ही आगे बढ़े तो पहला चिराग खुद ब खुद जल गया। आखिरकार थक हार कर बैठ गए और एक चिराग भी ना बुझा पाए। हजरत मौलाना शाह फजल रहमा अलैहि रहमा ने फरमाया, अब बोलो तुम्हारा इसराफ का दावा कहाँ गया? हाँ, अगर तुमने इखलास का मंजर ना देखा हो तो अब देख लो। शेर मोहम्मद साहब यह देखकर ऐसे शर्मिंदा हुए कि उसी वक्त मुरीद हो गए और देर तक रोते रहे। इधर हजरत मौलाना बाबा को ऐसा जोश आया कि मिंबर पर खड़े होकर नात व जिक्र ए विलादत फरमा कर रख्त अंदाज लहजे में सलाम पढ़ा और इमरती पर फातिहा देकर एक खुद खाई और दो दो इमरतियाँ खुद हाजरीन में तकसीम कर दी। रहमत व नेमत 121-122।